हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो दिस इज चैप्टर 5 पार्ट 2। सो चैप्टर 5 के अंदर हम पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। सो कोल और पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा था कि कोल और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो है, फॉसिल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी टाइम पर जिंदा थे, वो जो है अर्थ के एक बहुत सारी लेयर्स के नीचे दब जाते हैं और कंप्रेस होने की वजह से वो फॉसिल्स जो है फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं। सो उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले कोल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कोल, कोल मीन्स कोयला होता है सिंपल मीनिंग में। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। कोल को, कोल के बारे में सुना होगा या देखा भी होगा। जो हमारे घरों में जो सिंपल कोल यूज़ करते हैं वो वुडन कोल होता है, वो फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। लेकिन एक हार्ड, एक जो है स्टोन लाइक कोल भी आता है जो कि एक्चुअली फॉसिल फ्यूल होता है, जो कि जो है माइनिंग करके निकाला गया होता है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इट्स ब्लैक इन कलर। हार्ड होता है स्टोन के जैसा और कलर में ब्लैक होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वॉज़ यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। जो कोल है वो शुरू के अंदर जो है फूड कुक करने के लिए, खाना पकाने के लिए यूज़ आता था। और उससे भी पहले जो है रेलवे इंजन्स के अंदर ये जो है स्टीम जो इंजन चलते थे, स्टीम इंजन चलते थे उनके अंदर जो है उनके इंजन्स के अंदर उनको रन करने के लिए, इंजन को रन करने के लिए यूज़ आता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ आता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। उसके अलावा कोल है बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है एनर्जी सोर्स के फॉर्म में जो है काम आता है, एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में काम आता है। आप बोलोगे कि मैम स्टीम इंजन वाला जो है कोल कैसा होता है? जो स्टीम इंजन था उनके अंदर जो था कोल था उसको इंजन के अंदर डालते थे, बर्न करते थे और उसकी वजह से जो स्टीम जनरेट होता था उस स्टीम की वजह से वो जो रेलवे इंजन था वो चलता था और पूरी की पूरी ट्रेन को वो जो था फैच करता था, खींचता था। नाउ स्टोरी ऑफ कोल। Where do we get coal from and how it is formed? Coal कहाँ से मिलता है और coal actually बनता कैसे है? So हमने पढ़ा है पहले कि coal है वो fossil fuel है, तो obviously fossil से बनता है coal. So let's see. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying, wetted areas. 300 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ था उसके ऊपर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत सारे घने जंगल थे और जो कि वेटलैंड एरिया में थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गेट बर्न अंडर द सॉइल। सॉरी फॉरेस्ट गेट बुरीड अंडर द सॉइल। अब जो था कई नेचुरल प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्विक आया होगा या फ्लडिंग आया होगा, जो भी रीज़न रहा उनकी वजह से क्या हुआ, ये जो भी फॉरेस्ट थे ये किस जो सॉइल थे उनके नीचे दब गए, बुरीड हो गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम, और उनके ऊपर टाइम टू टाइम जो है बहुत सारी लेयर्स है सॉइल की वो जमा होती रही। देवर कंप्रेस्ड, और इसकी वजह से वो कंप्रेस हो गए, दब गए अच्छे से। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे वो गहराई में दबते गए, जैसे जैसे सॉइल के ऊपर लेयर चढ़ते गए वो गहरे होते गए, गहराई में दबते गए, और उसकी वजह से था उनका टेम्परेचर भी क्या है, हाई हो गया। क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे हम अर्थ की कोर की तरफ जाते हैं, अर्थ के सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। मतलब जितना गहराई में हम जाएंगे अर्थ के अंदर उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और जैसे जैसे जो है उनके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता गया, क्योंकि मिट्टी की लेयर थी वो चढ़ती गई तो जो है प्रेशर बढ़ता गया, उसके अलावा हाई टेम्परेचर भी होता गया, और जिसकी वजह से डेड प्लांट्स जो थे वो धीरे धीरे कोल में बदल गए। As coal contains many carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. अब हमको पता है coal के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होता है, इसीलिए जो है ये कन्वर्जन हुआ, इस डेड वेजिटेशन का कन्वर्जन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं।
सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. अब जो है वेजिटेशन जो थे पेड़ पौधों के दबने की वजह से, जो पेड़ पौधे जो दब गए उनकी वजह से जो है कोल फॉर्म हुआ है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कोल को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. हमारे पास ये जो पिक्चर है 5.2, इसके अंदर हमको एक कोल माइन है वो बताई गई है. कोल माइन की एक पिक्चर है. When heated in air, coal burns and produces many carbon dioxide gas. और जब कोयले को जलाया जाता है, कोल को जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, बर्न किया जाता है, तब उसकी वजह से जो है वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. और coal को process करके बहुत सारी अलग अलग industries में process करके उससे coke, coal tar और coal gas से उसके जो है products उनसे लिए जाते हैं. coal से ये जो three products है वो mainly बनाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं coke की जो coal से बनता है. It is a tough, porous and black substance. बहुत ही hard सा, tough सा, porous सा और black substance होता है ये. It is a almost pure form of carbon. Carbon की purest form होती है ये coal के बाद. Coal से produce होने वाली carbon की purest form होती है. Coke is used in the manufacture of steel and in extraction of many metals. और जो है खास करके जो कहाँ यूज़ किया जाता है coke यूज़ किया जाता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके अलावा जो है बहुत सारे मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन होता है, मेटल निकाले जाते हैं, मेटल जो है उनको प्योर किया जाता है, उसके अंदर भी कोक का यूज़ होता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमको कोल से मिलता है वो होता है कोल टार. It is a black, thick liquid with an unpleasant smell. बहुत ही unpleasant सी smell होती है ना, हमको अच्छी नहीं लगती वो smell, वैसी smell आती है इसके अंदर. Black और thick liquid होता है, एकदम गाढ़ा liquid paste जैसा होता है. It is a mixture of about 200 substance. इसके अंदर जो है almost 200 substance है वो mix होते हैं, मतलब ये पूरा पूरा एक mixture होता है 200 substance का. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substance used in everyday life and in industry. अब जो है इससे जो product मिलते हैं, coal tar से जो product मिलते हैं जो बनते हैं वो बहुत सारी industries के अंदर बहुत starting material की तरह काम में आते हैं, जो कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस के अंदर हमारे डेली लाइफ की बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके जो बनते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस है उनके स्टार्टिंग मटेरियल्स के फॉर्म में ये काम में लिया जाता है. जैसे कि सिंथेटिक डाइज, अगर सिंथेटिक डाइज बनाई जाती है तो उनका स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो जो है कोल टार से बनेगा. उसके अलावा कई ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, उनके अंदर भी जो है कोल टार जो है स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कोल टार से बनता है. Interestingly, naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar. अगर हम बात करें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो naphthalene ball जो आती हैं, जो कि naphthalene ball जिनको हम नॉर्मल जो है यूज़ करते हैं, कपड़ों के अंदर डालते हैं जिनसे स्मेल भगाने के लिए, मौत को दूर रखने के लिए, और जो कि है इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, वो भी किससे बनते हैं, कोल टार से बनते हैं, कोल टार से बनाए जाते हैं. अब हमारे पास एक जो है फैक्ट है. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. पहले था जो रोड बनाई जाती थी, रोड बिछाई जाती थी, उसके अंदर coal tar यूज़ होता था, लेकिन आज के टाइम पे एक स्पेसिफिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है bitumen, उसका यूज़ किया जाता है रोड बनाने के अंदर. ठीक है, तो रोड बनाने के अंदर पहले जो गर्म गर्म जो यूज़ किया जाता था वो होता था coal tar, अभी coal tar की जगह bitumen यूज़ किया जाता है. Next is coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. जब coal से coke लिया जाता है, coke बनाया जाता है, तब उस time पे एक जो है gas release होती है, उस वही gas क्या होती है, coal gas होती है. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. ये बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है काम में आती है फ्यूल के फॉर्म में, जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास में होते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में जो है कोल गैस फ्यूल के फॉर्म में यूज़ आती है.
Coal gas was used for street lighting for first time in London in 1810. सबसे पहले कोल गैस थी वो स्ट्रीट लाइटनिंग की स्ट्रीट लाइटनिंग को जो है लाइट करने के लिए यूज़ की गई लंदन के अंदर 1810 के अंदर 1810 के अंदर सबसे पहले जो है कोल गैस है स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ करी गई एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 और उसके अलावा न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ किया गया. नाउ इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. पहले जो स्टार्टिंग में था कोल गैस को लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया गया लेकिन आज के टाइम पर लाइट की जगह इसको जो हीट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है. मतलब हीट प्रोड्यूस करने वाला ये एक फ्यूल है. नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है. सो लेट्स सी अबाउट पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं. यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल स्कूटर एंड कार्स. अब हमको पता है मोटरसाइकिल स्कूटर्स कार वगैरह के अंदर जो लाइट ऑटोमोबाइल्स है उनके अंदर फ्यूल जो डलता है वो डलता है पेट्रोल. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल. उसके अलावा जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स हो गया ट्रैक्टर्स हो गया वो डीजल पे चलते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोल और डीजल है वो एक नेचुरल रिसोर्स से लिए जाते हैं बनाए जाते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि क्या है पेट्रोलियम है. मतलब पेट्रोल और डीजल है दोनों किससे आएंगे, पेट्रोलियम से आएंगे. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलम ऑयल एज इट इज़ माइंड. अब जो पेट्रोलियम वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, दो जो है वर्ड हैं. फर्स्ट इज़ पेट्रा. पेट्रा का मीन्स होता है रॉक एंड सेकेंड वर्ड इज़ ओलियम जिसका नाम जिसका मीनिंग होता है ऑयल. सो जो कि माइन करके निकाला जाता है. सो पेट्रोलियम का मीनिंग क्या हो गया, वो ऑयल जो माइन करके निकालता है, जो रॉक ऑयल माइनिंग करके निकाला जाता है, तो वो क्या हो गया पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का सिंपल अलग मीनिंग क्या हो गया, जहाँ जो आया है वो है रॉक से निकलने वाला ऑयल. फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन. और ये जो है ये ऑयल है कहाँ से माइन किया जाता है, जो रॉक्स है उनके बीच में से निकाला जाता है जो कि अर्थ के नीचे होती हैं. हमारे पास फिगर 5.4 है जिसके अंदर बताया गया कि पेट्रोलियम हमको जो है अर्थ के लेयर के नीचे से मिलता है जो कि माइन करके निकाला जाता है. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड. अब आपको पता है पेट्रोलियम बनता कैसे है. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम जो है वो सी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी वजह से फॉर्म होता है, उनसे फॉर्म होता है. एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड एंड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. अभी जो सी क्रीचर्स थे, सी ऑर्गेनिजम्स थे, वो मर गए और उनकी बॉडी थी सी के बॉटम के अंदर दबती गई बहुत सारी लेयर्स और सैंड की लेयर्स और क्ले के नीचे. और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब बहुत सारे साल गुजर गए, मिलियंस ऑफ ईयर गुजरने के बाद जो उनकी बॉडी है उनसे एक जो उनकी बॉडी ऑयल है वो निकलता गया और वो किस में कन्वर्ट होता गया, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता गया. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. बहुत सारे सालों में over millions of years में उनके जो है वो पानी में थे इसलिए एयर की जो थी obviously जो deficiency थी absence थी. So absence of air, high temperature और high pressure की वजह से ये जो dead organism थे वो petroleum और natural gas में transform हो गए, बदल गए. लुक एट फिगर 5.4. आपके पास बुक के अंदर फिगर 5.4 है जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट जो थी हमारे सी लेवल के नीचे उसके बारे में है. इट इज़ शो द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट के बारे में बताती है. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबोव दैट ऑफ वाटर. जो पेट्रोलियम ऑयल और जो गैस है उसकी जो लेयर है वो पानी के नीचे है. वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है. रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विद इट. अब हमको पता है कि जो ऑयल और गैस है वो पानी से जो है हल्की होती है, उसके अलावा पानी के अंदर जो है मिक्स नहीं होती है. जो नॉन नेचुरल गैस होती है और जो पेट्रोलियम होता है वो पानी में मिक्स नहीं होता है, हमको पता है. सो इसकी जो लेयर है पेट्रोलियम और वो गैस की है वो पानी के ऊपर हमको जो है एक लेयर के फॉर्म में भी दिख जाती है. जहाँ पे इसका सोर्स होता है अगर वहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाए तो वहाँ पे जो नेचुरल ऑयल नेचुरल गैस है पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, उसकी लेयर हमको अलग से दिखती है.
द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859. पेनिसिल्वेनिया जो था यूएसए का, उसके अंदर 1859 के अंदर पहला ऑयल वेल था वो बनाया गया, ड्रिल किया गया. एट ईयर्स लेटर, 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मेकम इन असम. उसके अलावा जो उसके बाद जो एट ईयर्स के बाद में 1869 के अंदर इंडिया के अंदर एक प्लेस है मेकम जो कि असम में है, वहाँ पे भी ऑयल निकला. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. इंडिया के अगर हम ऑयल की बात करें वो आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, उसके अलावा जो रिवर बेसिन है जो गोदावरी और कृष्णा की, वहाँ पे जो ऑयल है वो मिलता है. अब हमारे पास है फिगर 5.4, इसके अंदर अगर हम देखें इस पिक्चर के अंदर, सो ये जो है एक हमको पता है पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो सी लेवल के नीचे मिलेगा. सो समुद्र के नीचे जो है बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं, क्ले और मिट्टी की लेयर्स होती हैं, उसके नीचे सबसे पहले गैस मिलती है, उसके बाद ऑयल मिलता है, उसके बाद उसके अंदर जो है वाटर रहता है थोड़ा सा ऑयल के नीचे, क्योंकि जो है वाटर से लाइट होते हैं गैस और ऑयल. सो वो ऑयल वाटर के ऊपर थोड़ा सा फ्लोट कर जाते हैं, तैर जाते हैं. उसके बाद जितनी भी है बाकी की सारे जो रिजर्व रॉक हैं वो रहती हैं. हमको पता है जितने जो अर्थ है उसकी जो बहुत सारी लेयर्स होती है रॉक की, सो ये सब जो होता है. नेक्स्ट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम जो हम निकलेगा वो ऑब्वियसली प्योर फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि उसी पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल मिल रहा है, उसी पेट्रोलियम से हमको डीजल मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको रिफाइन किया गया, उसको साफ़ किया गया ताकि उसको दो अलग अलग कैटेगराइज फ्यूल के अंदर यूज़ किया जा सके, तो उसके लिए रिफाइनिंग की जाती है. सो इस रिफाइनिंग के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.